बहुत बढ़िया। कल्पेश जी कैसे हैं आप? सर आपका सर माइक म्यूट है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कल्पेश जी शायद हम पहली बार ऑनलाइन मिल रहे हैं, करेक्ट? ओके सर सही चलिए बोले। बहुत बढ़िया। हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, बाकी और सारे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले दिन होता है कि सेशन में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आज हम कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने वाले, आज हम किसी टॉपिक पे कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले। सिर्फ हम इस सेशन के बारे में जानेंगे, आईआईडीएम के बारे में जानेंगे, प्रोसेस क्या होगा अगले 2 महीने तक हम उसके बारे में जानेंगे, और किस तरीके से आपका पूरा कोर्स चलेगा, आपका बिजनेस प्लान क्या है, और मेरा उस पर क्या स्टेप होगा, मेरी टीम आपका कितना हेल्प करेगी, इस चीज पे हम सब पे बात करेंगे। आपके जितने क्वेश्चंस आज तक आपके दिमाग में थे वो सारे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। पहले दिन होता है, आप लोगों को जूम चलाना आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जूम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो सपोर्ट टीम से अभी भी कनेक्शन में है और वो अभी भी काम कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ सबसे पहले सेशन में है कौन कौन। सबसे पहले अभिषेक जी हैं, और सारे इंट्रोडक्शन अपना खुद दे दीजिएगा, बस मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन पहले है। इसके बाद कल्पेश जी हैं गुजरात से, अभिषेक जी आप चंडीगढ़ से, आई बिलीव। जी सर कल्पेश जी हैं गुजरात से हैं, मेहुल जी हैं वो भी गुजरात से हैं, हमारे साथ सुब्रतो हैं कैलकटा से, और हमारे साथ आकाश भाई हैं, ये शायद अभी दिल्ली से हैं। यहां पर जितने लोग भी कनेक्टेड है मेरे सेशन में, याद रखिएगा 6 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, बाकी 4 सीट्स पिछले सेशन के इंडिविजुअल्स के लिए बुक रहती है। मतलब अगर कोई पीछे सेशन में, जैसे आपको भी कभी आगे फ्यूचर में आपको लगे कि आपको कोर्स को रिपीट करना है, तो आप मेरे किसी भी सेशन में विदाउट इन्वेस्टिंग अ कॉस्ट आप बैठ सकते हैं। काम कैसे चलना है, कैसे काम होगा, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अभिषेक जी अपने बारे में थोड़ा सा सेशन को बता दीजिए। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, सेशन के बाद आप लोगों को इस सेशन की रिकॉर्डिंग एवरी टाइम मिलेगी, हर चीज समझाऊंगा। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे को जाने, उसके बाद ही मजा आएगा। अभिषेक जी आपसे स्टार्ट करते हैं। जी सर, मेरा नाम अभिषेक है एंड मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा पिछला 6 से 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन में रहा है। एंड मैंने कन्वेंशनल टाइप की सेल्स किया, डायरेक्ट सेलिंग की है। अभी मेरा जो मोटिव है वो ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेल्स को कैसे मतलब लेके जाया जाता है वो सीखना है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सेल्स बैकग्राउंड है तो आपको फायदा जरूर इसका मिलने वाला है। और बहुत सारे लोगों की, देखिए ये जो सेशन होता है ना, इस सेशन में बड़ा मजेदार तरीके से, आप आज बहुत शर्माएंगे एक दूसरे से अपने आप को ओपन करने में, लेकिन ट्रस्ट मी अगले कुछ दिनों में आप एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होंगे, एक दूसरे के साथ हाथ भी मिला रहे होंगे, क्योंकि यहां पर हर वो चीज हम करेंगे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके आगे बढ़ाएगी और आपके बिजनेस आइडिया को लेके आगे बढ़ाएगी। तो अभिषेक जी कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है, या बस अभी कुछ नहीं सर, एक्चुअली चेक करना चाहते हैं क्या है ये फील्ड? एज ऑफ नाउ बिजनेस आइडिया तो नहीं है। रीजन बीइंग कि मैं अभी जैसे जॉब ही कर रहा हूँ, तो अगे फर्दर फ्यूचर प्लान भी यही है कि ये पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग सीख करके मुझे नई जॉब ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं कल्पेश जी के पास। कल्पेश जी बताइए सेशन को अपने बारे में सर थोड़ा सा। माई सेल्फ कल्पेश रामोलिया फ्रॉम गुजरात फ्रॉम राजकोट। मेरी कंपनी का नाम राज कूलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। ऑलरेडी हम लोग एयर कूलर बनाते हैं, जम्बो एयर कूलर। और मेरी कंपनी इंडिया में टॉप 3 में है, जो हम लोग जो एयर कूलर बड़े जम्बो बनाते हैं उसके अंदर। और बेसिकली हमारा कोरोना से पहले हमारा जो काम था कि हर एरिया में, इंडिया के कोने कोने में हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है। हर साल के अंदर कम से कम 35 से 40 एग्जीबिशन करते थे हम लोग। बहुत बढ़िया, तो उसमें 4 आउट ऑफ वर्ल्ड भी कर रहे थे। लेकिन हमारा अब सबसे बड़ी चैलेंज आती है डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर हम लोग थे लेकिन 2-5% ही थे, उसका डीप नहीं था। हमारे पास कोई भी बंदा आता था और आके हमको बोल देता था कि आप ये करो ये करो ये करो करके चला जाए, हम लोग दे देते थे। इसके अंदर गहराई हमको नहीं मालूम थी, लेकिन मेरे जो दोस्त हितेश भाई ने बताया कि आप साहब से ज्वाइंट हो जाओ और उसके अंदर गहराई के बारे में समझो। ऑलरेडी मेरा 150 का स्टाफ है, मैंने आज तक कंप्यूटर भी नहीं चलाया कभी भी बहुत उसके बढ़िया। अंदर। लेकिन हितेश भाई ने बोला कि आप अंदर आप डीप में उतरोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो बस हमारी बस यही आशा है कि आपके वहां से बहुत कुछ सीखे और
और उसके अंदर 100% इसका हम लोग उपयोग करेंगे। और दूसरा, कोरोना के बाद ये स्थिति है, हार्ड टू हार्ड जाना बंद होगा और डिजिटल मार्केटिंग आएगा 100%, तो उसके अंदर हमको काम करना है। और हमारी ये आपके आशा है कि आपसे कुछ ना कुछ हम अच्छा सीखे। चलिए बहुत बढ़िया सर, जान के बहुत अच्छा लगा। और कल्पेश जी, अगर मैं थोड़ा सा और इसको समझूं, जंबो कूलर क्या है, मतलब ये कोई नॉर्मल कूलर है या फिर बिग साइज कूलर है, क्या है ये चीज? तो जो जंबो कूलर है वो जो टेंट इंडस्ट्रीज है और इंडस्ट्रीज है उसके अंदर, अगर आप शादी में जाते हो तो उसके अंदर बड़ा वाला काला कूलर होता है, तो फिजिकली हम लोग मैन्युफैक्चर है। तो इंडिया में हम लोग टॉप 3 ब्रांड में है, पहला कैप्सन है, दूसरा रहेगा मेरा रहेगा, दूसरा नंबर तीसरा सिम्फनी आएगा इसके अंदर, ठीक है। और कल्पेश जी, इसमें कभी आपने डिजिटल मार्केटिंग को, मतलब ये जो सिनेरियो अभी आपके सामने आया है, कोविड के द्वारा ही आया या फिर आज से पहले डिजिटल मार्केटिंग की नीड कभी जनरेट हुई थी कि हाँ यार ऐसा भी कुछ काम करना चाहिए? सर हमारी नीड नहीं थी, पर लेकिन हमने बोला ना, हमारे राजकोट में कोई भी बंदा आता था और बोलता था हम लोग आपको फेसबुक में ये कर देंगे 10-15-20 हज़ार रुपए लेके चला जाता, कुछ होता नहीं था। इसका रीजन मैं कल्पेश जी बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप एज अ ओनर ये नहीं समझेंगे ना कि डिजिटल है क्या, जब तक आप एज अ ओनर इसको नहीं समझेंगे, तब तक सर आप किसी इंसान को चेक ही नहीं कर पाएंगे कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। सही बात है सर, बहुत जरूरी है कि आप इसको समझे, क्योंकि सर अब आगे तो छोड़ दीजिए, अभी का ग्राहक टिल डेट आज का ग्राहक भी ऑनलाइन ही आना है। सही है सर, और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। बहुत बढ़िया कल्पेश जी। मेहुल जी कैसे हैं? बस मजे में सर, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। आप मुझे लगा कि बहुत देर से आप सपोर्ट टीम से जूझ रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ चुका था। तो अभी सर रिजोल्व हो गया इशू? नहीं, अभी तो मैं लैपटॉप पे किया है, वो पीसी पे नहीं हो रहा है। ओके, तो कल सुबह उनसे करवा लूंगा, उन्होंने बात किया है। शायद हो सकता है सर कुछ वॉइस कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक्चुअली ऐसा ही लगता है मुझे। वो आप एक बार चेक करवा लीजिएगा अगर किसी लोकल टेक्नीशियन से, नहीं तो हमारी सपोर्ट टीम से जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी सपोर्ट टीम है और बड़े मजेदार तरीके से आपकी हेल्प करेगी। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे साथ हिमांशु कनेक्टेड है यहाँ पे। हिमांशु हमारी टीम में एसईओ के महारथी माने जाते हैं, और हिमांशु आपके अकाउंट मैनेजर हैं हमारे साथ। जो भी अकाउंट मैनेजर आपके पूरे बैच के साथ कनेक्टेड होगा, याद रखिएगा वो कोई सेल्स या अकाउंट स्कीम का मैनेजर नहीं है या बंदा नहीं है, वो डिजिटल मार्केटियर ही है। धीरे धीरे आप अपने अकाउंट मैनेजर को जानेंगे। जरूरी ये है, इसीलिए है क्योंकि अभिषेक, अगर मैं एक सेल्स टीम या सपोर्ट टीम मेंबर को आपके साथ कनेक्ट कर दूं तो आपके सवालों के जवाब वो नहीं दे पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों के साथ उस इंसान का कनेक्ट होना जिसको सारी की सारी डीप नॉलेज हो। आगे इनके बारे में बताऊंगा क्या है, किस तरीके से। मेहुल जी आपके पास चलते हैं, सोरन थोड़ा सेशन में अपने बारे में लोगों को बताइए, क्या करते हैं आप? मेरा नाम मेहुल शाह है, मैं कृष्णा केमिकल्स का ऑनर हूँ, वर्तमान में मेरा केमिकल्स कंपनी है। अभी साथ साथ में हम लोग एक होम क्लिनिक प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका ब्रांड है डॉक्टर होम करके, हम मार्केट में 3 साल से चला रहे, उसका भी हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये कल्पेश जी ने बताया, यही दिक्कत हमको भी आती है, सब आते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे करके पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। ओके, मतलब मुझे लगता है गुजरात में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब ऐसे लोग बहुत घूम रहे हैं जो आ जाते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। हाँ सही बात है साहब। बहुत बढ़िया, और मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर आप लोगों को, देखिए अभी तो पहली चीज है कल्पेश जी, बहुत क्लियरली मेहुल जी, अभिषेक जी, आप लोगों को बता दूं मैं कि अभी तो क्या है, अभी तो आप अपने बिजनेस आइडिया बिजनेस मॉडल पे समझ रहे हैं। जब ये डिजिटल आगे चलेगा ना, जब आपको समझ आएगा इसका इनडेप्थ, जब आपको ये समझ आएगा कि किसी भी बिजनेस के लिए आप ग्राहक ढूंढ सकते हैं, तो बिजनेस आइडियाज बहुत तेजी से आपके दिमाग में दौड़ेंगे, और उस टाइम हमारी टीम का सपोर्ट देखिएगा, मजा आएगा। और उस टाइम जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, हम बस उसी के लिए जिंदा हैं, हम बस उसी के लिए काम कर रहे हैं। आते हैं आकाश भाई के पास। आकाश भाई, मुझे लगता है आप एज में इस सेशन में सबसे छोटे हैं, बताएं सर अपने बारे में। आकाश जी सुन पा रहे हैं?
चलिए, मुझे लगता है शायद इनका साउंड कुछ साउंड इशू है, पहले दिन सबको इशू होता है, बट कोई बात नहीं आकाश जी, हम जल्दी ही बात करेंगे, जैसे ही आपका साउंड इश्यू रिजॉल्व हो जाए हमारी सपोर्ट टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ सेशन में आपके साथ एक और इंडिविजुअल कनेक्टेड है, इनका नाम है सुब्रतो। सुब्रतो का आइडिया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आज वो सेशन में आ नहीं पा रहे हैं, वो कल आएंगे। और सुब्रतो अगर रिकॉर्डेड लाइन में इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं आपके बारे में पूरे सेशन को समझा दूं और कल से आप लोग एक दूसरे से जरूर मिल सकते हैं। सुब्रतो एक बहुत ही नोबल कॉज पे काम करना चाहते हैं, वो प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट हैं और उनका कहना है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में कला है, बहुत सारे लोग हैं, गांव गांव में लोग हैं, लेकिन उनको देश देश आज पहचान नहीं रहा। उनका एक टारगेट है, उनका टारगेट है खुद की आर्किटेक्चर फर्म को आगे बढ़ाना और साथ में इन लोगों को एक नया चेहरा और एक नया नाम देना जिससे पूरी दुनिया इनको जान पाए। तो ये प्रोजेक्ट है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, दोनों आर्किटेक्ट हैं पूनम और सुब्रतो, और सुब्रतो हमारे सेशन के मेंबर बनेंगे और आगे ऐसे ही हम लेके चलेंगे। सुब्रतो कल आप लोग के सामने आएंगे तो आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो अभी मैं आपको सेशन के बारे में बता दूं क्या क्या होगा यहाँ पे, किस तरीके से आगे चलेगा, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और आप मेरे बारे में भी जानेंगे, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, कैसे आगे किस तरीके से हम मूव करेंगे। सबसे पहले आपका जो टाइम है वो टाइम है 10 to 11 का, लेकिन कभी कभी बैचेस में क्या होता है, जो आपसे पहला बैच है उसके कुछ क्वेश्चंस लास्ट में हो जाते हैं, जैसे आपका बैच भी होगा तो आपके क्वेश्चंस भी लास्ट में एक्सटेंड हो जाएंगे, इसलिए मैक्सिमम हम ये लेके चलते हैं कि 10:10 पे आपका बैच स्टार्ट हो ही जाएगा लाइव। 10:10 से लेके 11 o'clock तक आपका बैच चलेगा मंडे टू फ्राइडे स्टार्टिंग 10 days में, उसके बाद मंडे टू थर्सडे स्टार्टिंग 10 दिन मंडे टू फ्राइडे क्यों है रीजन समझ लीजिएगा। स्टार्टिंग में मंडे टू फ्राइडे इसलिए है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपके पास 3 दिन का गैप आए और बस आपके नसों में उबाल कम हो जाए। मेरे सेशन में खून में उबाल बहुत आने वाला है, तो इसलिए ये जो 3 दिन का एक गैप है ना, ये स्टार्टिंग 10 days में नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग 10 days के बाद हम 3 days का गैप लेंगे क्योंकि उसमें आपको जो भी चीजें बताऊंगा उसको इंप्लीमेंट करने का आपको टाइम चाहिए, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए 24/7 24 घंटा हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए रेडी है। कभी भी आप अपने अकाउंट मैनेजर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर वो शिफ्ट में नहीं है उनके साथ कॉल बैक अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट मैनेजर वो शिफ्ट से चले गए हैं तो आप अपने अकाउंट मैनेजर को एक व्हाट्सएप मैसेज रिलीज कीजिए, जब भी वो शिफ्ट में वापस आएंगे आपको कॉन्टेक्ट करेंगे सबसे पहले। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, आप बेहिचक ऊपर आए बिना कुछ सोचे समझे आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं बिजी होऊंगा तो कॉल डिस्कनेक्ट होगा और आपके पास मेरा कॉल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को लेके। आपको ये भी लगता है ना कि पूछना है कि डिस्कशन करना है बेड पे लेटे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जीतेगा नहीं जीतेगा, कॉल कर लीजिएगा डिस्कशन करेंगे। सो दिमाग में कोई क्वेश्चन मत रखिएगा, जरूरी है दिमाग को क्लियर और मजेदार तरीके से साफ सुथरा रखिए, तभी बिजनेस आइडिया निकलेंगे, तभी करेंगे। और ये जो सेशन होने वाला है ना, इस सेशन में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस आइडिया एक्सचेंज करेंगे, अपने बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कल्पेश जी 10 चीजें सिखा दे मेहुल जी को, हो सकता है एज एन एम्प्लॉय अभिषेक जी ने जितनी चीजें अभी देखी हैं, जितनी चीजें वो ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, शायद हो सकता है कल्पेश जी आपको बहुत सारी चीजें वो ऐसी बता दे जो आप अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत मजेदार तरीके का सेशन होने वाला है। अब बात आती है हम करने के हवाले, इस सेशन में आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग नाम का कीड़ा है क्या, इसने जन्म कहां से लिया है और यह उड़ता कहां पे है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आपको यह मैं समझा दूंगा उसके बाद मैं आऊंगा इस चीज पे कि डिजिटल मार्केटिंग में हम स्टार्ट कैसे करेंगे। आज अगर आज की बात करूं, अगर आप न्यूज बहुत ज्यादा देखते हैं तो आपको पता होगा आज इंडियन गवर्नमेंट ने 95 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है जिसमें एक टिकटॉक भी है, और टिकटॉक पे बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे अपनी वीडियोस को फेमस करके, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के तरीके से पैसा कमा रहे थे। एक दिन में उनका बिजनेस ठप हो गया। जरूरी है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट मत होइए, आप अपनी वेबसाइट बनाइए, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपकी खुद की है, चाहे फेसबुक रहे ना रहे, चाहे गूगल रहे ना रहे, चाहे यूट्यूब रहे ना रहे, आपकी वेबसाइट जिंदा रहेगी।
क्योंकि उसकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन में कि एक डोमेन क्या होता है, एक होस्टिंग क्या होती है, कैसे ये सारी चीजें निकली हैं। पहले मैं आपको ये जो टफ टफ वर्ड्स है ना इसका मतलब समझाऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट में, फिर आपको लाइव करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग पे तरीके को यूज करते हुए हम एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के लिए हम 10 दिन का सेशन रखेंगे जहां पे हम एक टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जिसका नाम है वर्डप्रेस। क्यों हम वर्डप्रेस को यूज करते हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेहुल जी, कल्पेश जी, अभिषेक जी, आकाश जी, आप सारे लोग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोग बैठ के क्रिएटिव वेबसाइट बनाए, तो क्यों नहीं हम एक ऐसा टूल यूज करें जिसमें सिर्फ अपने दिमाग का यूज करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है चीजों को, वेबसाइट 15 मिनट में रेडी। उसका नाम है वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस के साथ इस सेशन में जो फीस आप लोगों ने दी है उस फीस में से 13,200 रुपीज का एप्लीकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो लास्ट वाले सेशन में लोगों को मिला हुआ है, जिसमें मैं आपको 200 थीम्स दूंगा। थीम्स का मतलब वेबसाइट की डिजाइंस, जिसको आप रेडी टू यूज कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। इसके बाद हम सीखेंगे कि बिना पैसे की मार्केटिंग कैसे होगी। अगर हमारी पॉकेट में पैसा नहीं है तो बिना पैसे की मार्केटिंग कैसे होगी, इसमें हर कोई इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि पैसा होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि फ्री में लीड्स आए, उससे ब्रांडिंग भी बढ़ती है। तो हम बात करेंगे बिना पैसे की मार्केटिंग कैसे होगी, जिसको हम कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद हम आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काम होगा। इसके बाद हम कवर करेंगे कि Amazon, Flipkart, eBay में आपकी लिस्टिंग कैसे होगी और आपके प्रोडक्ट का लेवल ऊपर कैसे आ जाएगा, ज्यादा लोग आपको रिव्यूज कैसे देंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे गूगल एड्स के बारे में, गूगल एड्स कैसे काम करता है। अगर आप मान लीजिए रिचेस्ट मैन इन वर्ल्ड, आप चाहते हैं जैसे कोई गूगल में इसको डाले रिचेस्ट मैन इन वर्ल्ड, और मेहुल जी आप चाहते हैं आपका नाम और आपकी वेबसाइट वहां पे आ जाए, हम 15 मिनट में इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते आपके पॉकेट में पैसा हो, ज्यादा नहीं, 10-20 रुपए उसमें भी काम हो जाएगा। हम दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे टॉप पोजीशन को अचीव कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक टूल है, बस मैं आपको सिखाऊंगा कहां क्लिक करना है, क्या कैलकुलेशन करनी है, किस दिमाग से कैलकुलेशन करनी है, आप आराम से कर सकते हो। कल्पेश जी, आप इंडिया मार्ट से और जस्ट डायल से बहुत सारे लीड्स निकाल रहे होंगे आज तक, लेकिन इंडिया मार्ट और जस्ट डायल लीड कैसे निकालता है उसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, और अगले बहुत सारे दिनों में आपको उस तरीका सिखाऊंगा जिससे आप इन दोनों के ऊपर मार्केट लीडर बन के बैठ सकते हो। पूरे इंडिया में अगर आपके प्रोडक्ट के कैटेगरी को कोई सर्च कर रहा है गूगल पे जाके, तो आप ही आप दिखोगे, और जो एक बार आपको देख लेगा ना, जब तक वो कूलर नहीं खरीदेगा ना, तब तक हम उसे चैन से बैठने ही नहीं देंगे, चाहे वो इंटरनेट पे कुछ देख रहा हो, उसको देखेंगे कल्पेश भाई जबरदस्ती दिखेंगे। तो वो सारी तरीका, ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं रीमार्केटिंग, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। इसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आपने किसी दूसरे का प्रोडक्ट उठाया, उसको किसी दूसरे को बेच दिया, बीच में अपना कमीशन खा लिया। बहुत मजेदार प्रोसेस है, लोग इससे बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बशर्ते आपके पास उतना टाइम होना चाहिए इस चीज को करने के लिए। जयसवाल जी, जैसे अगर आप जो कनाडा मूव करने वाले हैं और उसके बाद आप जहां पे काम करने वाले हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है इस पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के हर एक पार्ट को सीखना। और मेहुल जी, कल्पेश जी, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे लोग हर एक चैप्टर को समझें, क्योंकि आप सारे लोग हो सकता है उन हर एक चीज को इंप्लीमेंट नहीं करें, लेकिन अगर आप अपने स्टाफ से करवाएंगे तो एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि कर क्या रहा है वो बंदा, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। मेरे सेशन में हमेशा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि 21,000-22,000 रुपए महीना आप किसी डिजिटल मार्केटर को दे रहे हैं, वो आपको लीड्स दे रहा है, और सेशन को करने के बाद बस उसका गला पकड़ लेते हैं कि भैया आज से पहले तू कर क्या रहा था, ये समझाऊंगा। तो वही होने वाला है, और मैं ट्रस्ट मी गारंटेड बता रहा हूं, अगले 10 दिन में आपके सामने रोज कोई ना कोई डिजिटल मार्केटर बैठ रहा होगा और कॉल कर रहा होगा। और ध्यान दीजिएगा, अगले 10 दिनों में आपके सामने कोई डिजिटल मार्केटर बैठे, उसके पसीने आप ना छुड़ा दें तो नाम चेंज कर दीजिए। इतनी नॉलेज जरूर आपको अगले 10 दिन में हो जाएगी। इसके बाद
हम आएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बाद कि YouTube वीडियोस पे कैसे रैंक करना है, किस तरीके से YouTube वीडियोस चलेंगी, YouTube एड्स कैसे हो चलते हैं, कैसे माउथ एड को हम YouTube एड पे कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ हम बैकग्राउंड में अपने प्रोजेक्ट को चलाते रहेंगे। याद रखिएगा, जो आपकी वेबसाइट होगी वो हमारी टीम नहीं बना के देगी। मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, हमारी टीम नहीं बना के देगी, आप खुद बनाएंगे। वेबसाइट बनाने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बस तरीके से आपको बैठना है, तरीके से समझना है। आप दोनों लोग हितेश जी को जानते हैं, मैं आपको बता दूं हितेश जी भी इसी चीज में देगी, सर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आज उनका बच्चा बैठ के बना रहा है, फिफ्थ क्लास का, सेवंथ क्लास का बच्चा। तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं आप। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ट्रस्ट मी, उसको प्रमोट कीजिए, ये डिजिटल वर्ल्ड बहुत अच्छी चीज है। बैंगलोर में, हैदराबाद में 5 साल के बच्चे भी इस चीज को सीख रहे हैं, जिनको मैगी खाने नहीं आती वो भी वेबसाइट बना रहे हैं, बस चला रहे हैं बटन। हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक 7 ईयर्स फिफ्थ क्लास की एक बच्ची है जो बहुत अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, उसकी कुछ वीडियोस भी हैं, जयसवाल जी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। वो बच्ची इतना अच्छा यूट्यूब पे काम कर रही है कि जो चीज हम सेशन में उसको सिखा रहे हैं उसी की रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे डाल रही है, लोग फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं उसको। सोचिए वो इंसान अगले 10 साल में वो लड़की क्या चेहरा हो सकती है यूट्यूब के ऊपर। जरूरी है अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रमोट कीजिए, समझाइए कि क्या चीज है ये। इसके बाद हम जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद डिस्कशन फोरम्स होते हैं, जहां पे डिस्कशन फोरम में हम आपको ये समझाते हैं कि जिस टॉपिक को आपको समझ नहीं आया उस पर क्या आपको और इलैबोरेट करना है आपके बिजनेस मॉडल पे। हर दिन जो क्लास चलेगी वो आपके बिजनेस मॉडल पे चलेगी। अब ऐसे कैसे होगा कि 5 लोग बैठे हुए हैं और मैं सारे के सारे बिजनेस मॉडल पे बात कर रहा हूं। जो टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, जैसे फेसबुक ऐड की अगर मैं बात करूंगा तो हर इंडिविजुअल पे फोकस करके मैं समझाऊंगा कि आपके बिजनेस मॉडल या फिर आपके लिए जो आप जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं या आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर फेसबुक ऐड कैसे बनाएंगे। और मैं ही नहीं, बचे हुए 4 लोग आपके प्रोडक्ट पे मेहनत करेंगे, और फिर जब उसके प्रोडक्ट पे हम काम करेंगे तो आप भी उसके प्रोडक्ट पे मेहनत करेंगे। इससे क्या होगा, एक केस स्टडी जनरेट हो जाएगी आपके सामने, एक विजिबिलिटी, एक आइडिया जनरेट हो जाएगा आपके सामने। और जयसवाल जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जब आप जाएंगे ना कहीं पे जॉब के लिए या फिर अपना कुछ स्टार्टअप करेंगे तो आपके सामने रियल 5 केस स्टडी होंगी जिनके लिए आपने काम किया है। हमें राइट सर? बिल्कुल सर, बहुत मजेदार तरीके से आगे चलेंगे। अब कोई क्वेश्चन मेरे लिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप में से कोई भी? चलिए, इतना भरोसा कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि इतना भरोसा कर रहे हैं तो मेरे लिए मुस्कुराहट के लिए और कोई दूसरा जवाब मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन आगे चलते हैं और मैं आपको बता दूं अब सपोर्ट कैसे होने वाला है। आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप देखा है, आपके बैच का नंबर है 720, और आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन किया है उस ग्रुप में जिस दिन भी आप सेशन में है या नहीं है, इस सेशन को बैकग्राउंड में रिकॉर्ड किया जा रहा है और प्राइवेटली आपको उसकी वीडियो भेजी जाएगी। आपके अलावा वो वीडियो और कोई नहीं देखेगा, प्राइवेटली आपको ही वो वीडियो देखी जाए, दे जाएगी आपके व्हाट्सएप पे। आगे फ्यूचर में मान लीजिए आपका व्हाट्सएप अभी डिलीट हो जाता है या अनइंस्टॉल हो जाता है, आपको उसके लिंक की जरूरत है, आपको दोबारा वीडियोस चाहिए, और ये वीडियोस लाइफ टाइम आपके पास रहने वाली है। आप सपोर्ट टीम से अपने अकाउंट मैनेजर को कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। हमारा जो ये सेशन है ये 2 महीना चलने वाला है, 2 महीने से 2.5 महीने के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्वेश्चन कितने जनरेट हो रहे हैं उसके बेस पे हम डेज कवर करेंगे, लेकिन लॉजिकली ये 2 महीने का कोर्स है। इसके बाद सर्टिफिकेशन हम देते हैं, सर्टिफिकेशन हम आपको IIDM का सर्टिफिकेशन देते हैं जहां पे आप डिजिटल मार्केटर सर्टिफाइड होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल सर्टिफिकेशन है, बहुत इजी, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मार्केट हमें जानता है बहुत अच्छे से क्योंकि हमारे सेशन में लोग कम है और डिलीवरेबल्स ज्यादा है। सो ये पूरा प्रोसेस रहेगा हमारे सेशन का। अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मैं सेशन को आज ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूं क्योंकि हम कल से रेगुलरली स्टार्ट करेंगे, और आज मैं आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, क्या चीज होती है, ये कीड़ा है क्या।
जब पहली बार सुपर कंप्यूटर्स बने ना, तो सुपर कंप्यूटर बनने के टाइम में क्या हुआ, उससे पहले लोग एक दूसरे के पास लेटर्स से, नहीं तो कबूतर के थ्रू, घोड़ों के थ्रू मैसेज भेजते थे। नीड जनरेट हुई कि भैया एक ऐसी चीज बनाओ जिससे मैं यहीं बैठा रहा हूं, तुम वहीं बैठे रहो और मेरा मैसेज पढ़ लो। ईमेल बनाया गया। किसने बनाया? यूएस आर्मी ने। और यूएस आर्मी को लगा कि जब ईमेल बन सकता है तो क्यों नहीं एक ऐसी चीज बनाई जाए जो इंफॉर्मेशन वाला पेज हो, कि मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी और दूसरे इंसान ने उस इंफॉर्मेशन को देख लिया। धीरे धीरे जो इन्वेस्टर्स बैठे थे मार्केट में, उन्होंने कहा अरे भैया क्या मजेदार चीज चल रही है मार्केट में, लेट्स इन्वेस्ट ऑन दिस। सो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन द न्यू रेवोल्यूशन व्हिच वाज WWW, जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने से क्या हुआ, रिसर्च फर्म ज्यादा बनी। रिसर्च से क्या हुआ, नई चीजें उन्हें जन्म लिया और एक लैंग्वेज को जन्म दिया गया जिसका नाम था HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है आगे समझाऊंगा, बहुत इजी है। इस लैंग्वेज की मदद से आप एक कंप्यूटर पर बैठे होते थे और दूसरा इंसान आपकी उस कोड्स को, उस टेक्स्ट को देख पा रहा था एक बहुत सुंदर तरीके से, डिजाइंड वे में। धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट बनने लगी जिसको देखो वेबसाइट बना रहा है। 2018-2019 की अगर गोडैडी या गूगल की रिपोर्ट की बात करें, इंडिया के अंदर पर डे 10 लाख डोमेन कवर होते हैं। पर डे 10 लाख डोमेन बुक होते हैं इंडिया में, सिर्फ इंडिया, इंडिया की बात कर रहा हूं। उसमें से मैं कहता हूं कि 9.5 लाख लोग वो हैं जो मजे मजे में डोमेन बुक कर लेते हैं कि चलो कुछ नया स्टार्ट करते हैं। डोमेन मतलब आपकी वेबसाइट का नाम। लेकिन फिर भी 50,000 लोग वो बचे जो रियल बिजनेस कर रहे हैं। पर डे 50,000 नए बिजनेस आइडियाज। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग आने लगे, तो फिर गूगल जैसी चीजों का जन्म हुआ। और जो पहला सर्च इंजन था वो था बिंग, याहू। ये सारे सर्च इंजन आते चले गए। फिर गूगल आया, और सर्च इंजन क्या है ये भी समझाऊंगा। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पूरे इंटरनेट का डेटा एक जगह इकट्ठा किया। समझ लीजिए एक ड्रम के अंदर इन्होंने डेटा भरा, और आप आए उस दुकान पे और आपने बोला भैया मुझे एक काम करो, मुझे ऐसे चार लोगों को दो जो कूलर्स बनाते हैं। तो उस ड्रम में से चार लोग निकले कि भैया हम कूलर बनाते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एवरी टाइम यू जस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ दैट ड्रम एंड यू आर आस्किंग योर क्वेरीज। आपको उस ड्रम से जो भी डेटा मिल रहा है, यही है सर्च इंजन। और आगे इलैबोरेटेड तरीके समझाऊंगा आगे सेशंस में। सर्च इंजन में पूरा एक चैप्टर है। इसके बाद जन्म हुआ सर्च इंजन का जिसपे हम डिपेंडेंट हो गए। आज गूगल पे हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि अगर हमें इंग्लिश का कोई वर्ड भी समझ नहीं आ रहा होता, हम गूगल पे डालते हैं और उसका आंसर हमें मिल जाता है। और पहले याद कीजिए पिताजी डंडी लेके खड़े रहते थे कि डिक्शनरी खोलो, पढ़ते लिखते नहीं हो। और आज हमारी वोकैबुलरी इतनी खराब हो गई है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं। अपने बच्चों को हम ही कह रहे हैं, बच्चा हमसे पूछ रहे पापा इसकी स्पेलिंग क्या होती है, हम गूगल पे डाल देते हैं। और ये कुछ खराब नहीं है, इजी टू एक्सेस है, हम क्यों नहीं अडॉप्ट करें, कर रहे हैं। इसी का फायदा गूगल ले रहा है और हमसे चिपकता चला जा रहा है, और हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो हमें फैसिनेट कर रहा है। टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन जो होता है ना, उसको समझिएगा बहुत ध्यान से। और यही है एक बैकबोन डिजिटल मार्केटिंग का। सबसे पहले रेडियो आया, रेडियो के बाद क्या हुआ, टेलीविजन आया। और टेलीविजन जब आया तो टेलीविजन आने के बाद लोगों ने कहा अब नया आविष्कार क्या करें। तो लोगों ने कहा कि इंसानी दिमाग जो होता है ना, ये रिलैक्स करना चाहता है, पड़े रहना चाहता है। बस इसका मर्जी ये है कि आराम से कुर्सी में बैठा रहे और पैसा अकाउंट में आता रहे, इसको यही चाहिए। तो नया रेवोल्यूशन जो हुआ, उसने कहा कि इंसान पे रिसर्च करो और नया रेवोल्यूशन ये लेके आओ कि इंसान को चैनल चेंज करने के लिए अपने बेड से ना उठना पड़े, रिमोट का आविष्कार हो गया। और अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आप अपने घर में शाम को घुसेंगे, आपके मूड को चेक करते हुए, आपके पल्सेस को, आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को चेक करके आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर जो आपके रूम में लगा हुआ है वो टीवी के उस चैनल को चलाएगा जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इस पर रिसर्च चल रहा है।
तो जरूरी यह है कि हम एवोल्यूशन को समझें और यहीं से कस्टमर सेटिस्फेक्शन निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूं कल्पेश जी आपके प्रोडक्ट की, तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई आपकी वेबसाइट पे आता है, उस वेबसाइट पे कस्टमर को सिंपल ये नहीं कि कूलर दिखा दो और अपने बारे में लिख दो, नहीं, कस्टमर को ये दिखाना है कि हम ही क्यों, हम में क्या दम है। कस्टमर को वहां पर इतना ज्यादा इमोशनल कन्वर्ट कीजिए कि कस्टमर आपको एक ब्रांड मानकर ही जाए, चाहे उसको आपका नाम पता हो या नहीं पता हो। अगर एक बार कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ गया ना, आपका कंटेंट, आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस इस तरीके से प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कि कस्टमर को लगे कि यार यही है जिसको मैं ढूंढ रहा था। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये आपकी दुकान है, जो शोरूम आप पहले बनाते थे ना, ये वेबसाइट वही है। सही बोल रहा हूं ना मेहुल जी? जरूरी है कि इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, अपने कस्टमर को समझें। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग की नीड की जनरेट हुई, ज्यादा वेबसाइट्स हो गई, लोग सर्च नहीं कर पाते थे, तो लोगों ने ड्रम्स बना दिए, एक तरीके का बक्सा बना दिया जिसके अंदर आओ भैया तुम ये पूछो, हम ये लो जादू की पुड़िया। जाते थे ना एक किसी मेले वेले में बचपन में, तो तोता बैठा रहता था, पूछते थे भैया मेरे को बताओ अगले महीने क्या होने वाला है, तोता फटफट फटफट बता देता था। वही है गूगल, कि हम गूगल के पास जाते हैं और कहते हैं भैया इस चीज की इंफॉर्मेशन दे दो, गूगल तोता हमें बता देता है और हम डिपेंडेंट है। तो अब यही, अगर कस्टमर वहां आ रहे हैं किसके पास, इस गूगल बाबा के पास, अगर कस्टमर गूगल के पास आ रहे हैं, तो अगर उस लिस्ट में जो गूगल बता रहा है उस लिस्ट में अगर हम भी बैठ जाए ना, तो बिजनेस तो जरूर निकलेगा। अब बैठना कैसे है, उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे उसको कैसे करना है। बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच लेवल से। आपको बिल्कुल ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको टेक्निकली कुछ पता है या नहीं पता है, आराम से बैठ के मेरे सेशन को सुनते रहिए, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा कैसे काम होता है। मेरे बारे में जानना चाहते हैं, अब मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए कोडर और मैं जावा में बहुत ज्यादा स्किल्ड हूँ, .NET में स्किल्ड हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब एप्पल में रही, उसके बाद मैं गूगल में चला गया, देन आई वेंट टू एडोबी, और एडोबी के बाद जब मुझे लगा कि अब पैसा वैसा आ गया है, तो मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस बहुत बड़ा था, हम उसमें आ गए। उसके बाद मुझे लगा कि जो स्किल्स मैंने अपने जीवन में अभी तक सीखी है उस स्किल्स को यूज करना है, तो बस विद्या जितना बांटो उतना बढ़ती है, और आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, और ये जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं ये पिछले 5 सालों से चल रहा है, और बस रिलेशंस बनते चले गए और आगे भी बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये अब योगा हो गया है, मैं जब तक दिन में 8 घंटे बोल नहीं दूँ मजा नहीं आता, और डिजिटल मार्केटिंग तो ऐसा हो गया कि आप मुझे नींद से भी उठा दो और क्वेश्चन पूछ लो तो मैं जवाब दे दूंगा क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 8 घंटे यही कर रहा हूं, और मेरे पास हर वो आदमी आ रहा है जो रिसर्च करके कंफ्यूज होके अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा है और मैं उसका सवाल का आंसर दे रहा हूं, तो मैं तो कंठस्थ हो चुका हूं हर चीज में। तो समझ लीजिए अगले 2 महीने के लिए मैं आपके लिए गूगल की तरह काम करूंगा, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा हर वो चीज, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, चाहे आपको हमारी टीम की जरूरत हो टीम को कॉल कीजिए। समझिए, एक कदम आप बढ़ाएंगे तभी हम 4 कदम बढ़ा पाएंगे। पहला कदम हर चीज में आपका होना चाहिए। तो ये पूरी IDM की इंट्रोडक्शन की कहानी है, और कल से हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे लाइव, 10:10 पे हम बैच स्टार्ट करेंगे। आप लोग चाहें तो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, डिस्कशन का निचोड़ बहुत अच्छा निकलता है, डिस्कशन से आपके लिंक एक्सचेंज होते हैं, आप एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को समझते हैं। किसी को छोटा या बड़ा मत समझिए, किसी को नहीं। आप बहुत सारे महारथी लोग हैं जो बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, बहुत अच्छे से हैं। बस याद रखिएगा, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि किसी को भी छोटा या बड़ा मत समझिए, आइडिया कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी।
आगे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सेशन में इनवाइट करूंगा जो रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे और उनको आइडिया आया और उस भिखारी को देख के उसने आइडिया बनाया और वो सुपर रिच बना। बहुत सारे लोग इस सेशन में भी आएंगे जो गेस्ट स्पीकर्स की तरह बुलाते हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने ब्रिलियंट आइडियाज को आगे लेके चले। और अगर आप लोगों को लगता है कि एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जैसे आपको लगता है कि अगर आपको किसी एचआर को बुलाने की जरूरत है जो आपको ये सिखाए कि आपको अगर कोई स्टार्टअप करना है तो कैसे उसको मैनेज करें, हम उस पर जरूर काम करेंगे। ये डिपेंड करता है आपको, ये बैच आपका है, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सेटिस्फेक्शन लेवल पे 100% लेके आए। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं यहीं तक, हम कल दोबारा मिलेंगे 10:10 पे, और इस सेशन के रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अगले 4 घंटों में अपलोड होकर मिल जाएगी। That will be a YouTube link जिसको आप लाइफ टाइम अपने पास रख सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन मेरे लिए यहाँ पे? हेलो सर, मेरा जी आकाश जी, अब आवाज आई, बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी स्किल होती है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर वगैरह जी। हाँ तो सर, इसकी ये भी मतलब इसमें जरूरत पड़ती है क्या? सर देखिए, ग्राफिक डिजाइनर अगर आप हैं और डिजिटल मार्केटर का आप कोर्स कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि मेरे को गाड़ी की पिछली सीट पे बैठना है सीट बन के, और मैं गाड़ी चलाना भी जानता हूं और दोनों चीजें एक हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सर मैं गाड़ी भी चला लूं और पायलट भी बन जाऊं, तो वो भी चीजें एक हो सकती हैं, क्योंकि एक पायलट भी गाड़ी ड्राइवर बन सकता है बहुत इजीली और उसको ड्राइविंग आनी भी चाहिए। लेकिन आकाश भाई, यहां पर अगर आप ध्यान दें, आप जो बोल रहे हैं कि एक डिजिटल मार्केटियर का कोर्स अगर आप करने आए हैं, आपको अगर एक इमेज ग्राफिक्स का या डिजाइनिंग का नॉलेज है तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अच्छा, लेकिन इस सेशन में मैं आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स सिखाऊंगा जिस टूल्स में आपको डिजाइनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज से पहले आप लोग बहुत सारे लोग लोगोज बनाने के लिए, ब्रोशर्स बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पोस्ट बनाएंगे चुटकियों में बिना डिजाइनिंग के। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोटो लेके आइए, टेक्स्ट लिखिए, चेंज कीजिए, खत्म। टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, हजारों टेम्पलेट हैं, बहुत इजी करेंगे हम इस काम को। ठीक है आकाश जी, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी? मेरा एक क्वेश्चन था जी। जी अभिषेक जी बताइए, आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि आज की डेट में लाखों के हिसाब से पर डे नई नई वेबसाइट्स आ रही हैं, तो उसके चलते लेट सपोज कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं कल्पेश सर की बात करता हूँ, जैसे सर मतलब कूलर्स बनाते हैं, कूलर्स तो जैसे मार्केट में कई लोग बना रहे हैं, तो उसके चलते अगर ये डोमेन नेम कोई सर्च करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद हो सकता है स्टार्टिंग में सर उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को, कीवर्ड को सर्च करने में इनको दिक्कत आती हो सर, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो आप हेल्प करेंगे उस चीज में? सर 100% आप बात कर रहे हैं डोमेन नेम सिलेक्शन के ऊपर, करेक्ट? जी जी बिल्कुल सर। सर मैं आपको पूरा 2 या 3 दिन का चैप्टर होगा इस पे जिसमें मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा कि डोमेन नेम सेलेक्ट करते टाइम, बिजनेस का नाम चूज करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके के कीवर्ड चूज करने हैं, कैसे डोमेन नेम चूज करेंगे, कहां से सस्ता खरीदेंगे, ये सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है सर, क्योंकि मैं वही देख रहा था जैसे मैं फेसबुक की बात करता हूँ, www.facebook.com, ऐसे अगर कोई नया प्लेटफॉर्म अपना खड़ा करता है ऑनलाइन जाकर के, तो उसको डोमेन नेम को सर्च करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में हर कोई बंदा नई नई चीज लेके आ रहा है, बिल्कुल, तो जायज है कि मतलब जैसे अगर 3 बंदे एक रूम में बैठे हो सकते, तीनों के दिमाग क्लैश करते हो तो डोमेन नेम भी क्लैश कर सकते हैं। सर 100% करेगा। आप डोमेन नेम बुक करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जिसको आपको चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे डोमेन अवेलेबल है तो बस आप ले लीजिए, उससे पहले आपको गूगल पे चेक करना पड़ेगा कि उसकी प्रेजेंस क्या, उस नाम से किसी ने बिजनेस रजिस्टर करा रखा है, उसके बाद आपको GST पोर्टल पे जाके चेक करना पड़ेगा, सारी चीजें समझाऊंगा। राइट सर, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे क्योंकि हमारा नाम यूनिक होना चाहिए सर। बिल्कुल सर, वही जैसे अभी से फॉर एग्जाम्पल abhishek.com मैं कुछ खोलता, abhishek.jaiswal कुछ करके खोलता हूँ मैं, तो उसके आगे पीछे अगर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू में डाल देता तो वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो कुछ ल्यूक्रेटिव सी चीज होनी चाहिए। सर तरीके हैं, जैसे हमारे लास्ट सेशन में एक अजय जी हैं जो जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं जी,
और उनका नाम जो है वो बहुत कॉमन नेम है अजय, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आई एम अजय कर दिया, आई एम अजय डॉट कॉम। तो ये सारी चीजों पे हम जरूर बात करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जब कोई आपका नाम डाले ना तो पेज आपके बारे में दिखना चाहिए। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके साथ ही मैं सेशन पे आपको एंड करूंगा और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दूं कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, उसका जवाब क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मैं गूगल पे जाता हूँ, एक इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ। इनकॉग्निटो क्या होता है आगे सेशन में जरूर समझाऊंगा अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पे देखिए, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं चाहता था मेरा नाम कोई गूगल पे डाले तो पूरा पेज मेरे बारे में बात करे। मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इससे बेटर एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। सो मैंने क्या किया, प्रभाकर कोई इस टाइप को टाइप करें तो क्या हो रहा था, बहुत सारे साउथ इंडियन फिल्म एक्टर्स थे जो आ जा रहे थे बहुत सारे लोग थे, मैं इनको बीट कर ही नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो मेरा पूरा फाउंडेशन था जिससे लोग मेरे को जानते थे, मैंने क्या किया, IIDM प्रभाकर। अब आप मेरे किसी भी पोस्ट पे चले जाइए, किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आपको यही हैशटैग मिलेगा और ये पेज मेरे बारे में बोलता है। जयसवाल जी, आंसर मिल गया अब आपको? बिल्कुल मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया। तो हम इसी तरीके के काम करने वाले हैं। तो वैसे ही मेहुल जी, कल्पेश जी, आकाश जी, अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि कल्पेश जी, अगर आपके कूलर के बारे में कोई डाल रहा है तो प्रोडक्ट मजेदार तरीके से दिखना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये गूगल का जो पेज है ना, ये हरा भरा सिर्फ आपके प्रोडक्ट से है। Exactly. सही बात है सर, इससे ब्रांडिंग बनती है। वरना पता लगे सर, कोई आपका एड देख के आया, गूगल में सर्च किया और पता लगा आप पे क्लिक करने के बजाय कहीं और ही क्लिक करके कहीं और ही पहुंच गया, पैसा लगाया आपने, मलाई ले गया कोई और। तो जयसवाल जी, आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। डेफिनेटली सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं, हम कल दोबारा मिलेंगे 10:10 पे। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।